सो हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू बलेनो सूरत में भी अवेलेबल है, ओके। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सिग्मा बेस मॉडल नहीं अवेलेबल है, और थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्या डाउन पेमेंट होता है, वेटिंग क्या है, ओके, और बुकिंग चार्जेस क्या हैं, मैं सब कुछ बताता हूँ। और सारे जो मॉडल हैं, मैं सब कंपेरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बेसिक्स मॉडल हैं जो सिग्मा के ऊपर वाले डेल्टा के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि डेल्टा आपको कितना मतलब वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। और बेस मॉडल में वो सारे फीचर नहीं मिलते हैं जो आपको थोड़े से उसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिलते हैं। सो लेट्स गो, इसके बारे में इन डेप्थ मैं आपको बताता हूँ, ओके। अगर आप सूरत से देख रहे हो तो ये कुम्भारिया में है, मतलब पाटिया कुम्भारिया में, ओके। ये आप सामने देख सकते हो, लैंडमार्क है, ओके। यहाँ पे नेक्सा का शोरूम है, आप यहाँ के क्वेरी कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, सारे बलेनो के मॉडल्स खड़े हैं। नेक्सा का है ये, मारुति सुजुकी नेक्सा, तो आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हो और गाड़ियाँ ले सकते हो। लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ सिग्मा और डेल्टा में क्या क्या डिफरेंस है। वैसे डेल्टा क्यों बेस्ट है वैल्यू फॉर मनी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जो की देखी वो तो स्टैंडर्ड है, मतलब वो आपको बेस मॉडल से मिलता है। हेडलैम्प्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि बहुत प्यारे हैं, अच्छा मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें फॉग लैम्प्स आपको नहीं मिलते हैं, डेल्टा तक तो नहीं मिलते। आप जो फ्रंट में क्रोम देख रहे हो, ये क्रोम आपको डेल्टा में मिलते हैं, ओके। और जो सिग्मा है बेस मॉडल, उसमें बहुत डिसेंट सा नॉर्मल सा है, तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, ओके। टायर की बात करें तो ये व्हील कवर जो है आपको इसमें मिलता है, उसमें व्हील कवर आपको खरीदना पड़ेगा सिग्मा में, बेस मॉडल में, तो इसमें आपको मिलता ही। ORBM में इंडिकेटर है, उसमें आपको टायर के ऊपर इंडिकेटर्स मिलते हैं, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बेस मॉडल जैसा लगता है ये वो, ओके। और अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस में तो कोई कमी आएगी नहीं, टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो। और साइड प्रोफाइल काफ़ी सुंदर है, और इसका तो मुझे काफ़ी अच्छा लग ही रहा है, ओके। फ्रंट में ऊपर कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं, क्योंकि ठीक है। एंटीना है नॉर्मल सा, पीछे आपको ड्रस मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ओके, दो टायर में डिस्क ब्रेक्स हैं। नेक्सा का यहाँ पे लोगो है, पीछे आपको चार सेंसर्स हैं पार्किंग के, जो कि काफ़ी सही हैं, ओके। लेट्स गो चेक करते हैं इसका हम बूट स्पेस, तो बूट स्पेस 20 लीटर जैसे कुछ कम कर दिए गए पुरानी बलेनो से, मतलब ये थोड़ा सा इसको छोटा किया गया है, ओके। तो कुछ 319 लीटर के आपको बूट स्पेस को इसमें मिलते हैं। आपको लगेज पैड भी मिलता है, जो कि आप थोड़ा इस पर सामान रख सकते हो, मतलब अगर आप पीछे वाले रॉ पे बैठे हो तो कुछ रख सकते हो, ओके। और सिग्मा में नहीं है, बेस मॉडल में नहीं है, तो इस डेप्थ जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी सारे बैग्स तो आप रख सकते हो। स्पेयर व्हील्स आपको मिलते हैं बेस मॉडल से, जो टॉप एंड वेरियंट है उसके पहले तक आपको 15 इंच की एलॉय मिलते हैं, उसके बाद आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, एलॉय नहीं सॉरी स्टील व्हील्स मिलते हैं, और टॉप मॉडल में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं। बलेनो की काफ़ी अच्छी स्टाइलिश ब्रांडिंग है, और लोगो काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, रिफ्लेक्टर्स काफ़ी सही हैं, ओके। और साइड में आप ये अगर फ्यूल इफिशेंसी देखोगे तो इन्होंने डीजल तो बंद कर दिया 2019 के एंड में, अब सिर्फ पेट्रोल ही बनाती है मारुति सुजुकी, तो ये पेट्रोल वारंटी है 1.2 लीटर, ओके। इंजन स्पेक्स बाद में करेंगे बात, लेट्स गो चलते हैं हम पीछे पैसेंजर साइड पे। तो पैसेंजर साइड भी सिग्मा जैसा ही है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंदर अगर देखोगे आप तो उसमें कुछ लैंप लग गए, यहाँ पे लेदर फिनिश है जो कि अच्छा है, थोड़ा कुशन टाइप लगता है। चार स्पीकर्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी में, बोतल होल्डर्स वगैरह दो बोतल तो रख सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। और पीछे हेडरेस्ट वगैरह सब सेट है, मतलब वो फिक्स्ड है, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। लेग रूम अगर हम देखें तो वो काफ़ी मुझे पसंद आया, मेरी हाइट तो वैसे छोटा हूँ मैं, मेरी हाइट कम है 5'6", लेकिन आप अगर लंबे हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हैंडल बार्स हैं जो कि काफ़ी सही है, कुछ टांगने के लिए भी बना है। ये है लैम्प जो कि पूरी गाड़ी को जगमग कर देता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे वो टांगने वाला सिस्टम नहीं, ओके, हैंडल बार्स यहाँ पे हैं, और ये फिक्स्ड है तो ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं, अगर तीन लोग तो काफ़ी अच्छे से बैठ सकते हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख सकते हैं, नीचे चार्जिंग सॉकेट है और फ़ोन भी आप डाल सकते हो। ये सामने से कुछ इस तरह से, मतलब ओके, बीच रोड से कुछ इस तरह से दिखता है आपका डैशबोर्ड। लेट्स गो, डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं हम, और ड्राइवर साइड पे देखते हैं क्या क्या व्यवस्था दी गई है, और सिग्मा से डिफरेंट क्या है डेल्टा में, मैं वो भी आपको बताता हूँ। काफ़ी अच्छा साउंड लगा, एक बार और सुनो आप, ओके, लेट्स गो। यहाँ पे सेंसर्स नहीं है, लेकिन आप कीलेस एंट्री कर सकते हो, मतलब सॉरी की से आप खोल के एंट्री कर सकते हो। ORBM में इसके फोल्ड नहीं हुए, मतलब लॉक अनलॉक करने पर ORBMs नहीं एडजस्ट होते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे मैनुअली, मतलब बटन दिए गए, इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अंदर बैठ के। और इसके मिरर्स भी, और जो इसके डोर्स हैं काफ़ी वाइड खुल रहे हैं, 85 डिग्री तक आई थिंक खुल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे सारे आपके कंट्रोल से मिरर्स के, और ये है ORBM कंट्रोल, ताकि पसंद आया मुझे, सिग्मा में नहीं है, आप डेल्टा में ये चीज़ आपको मिल जाती है, ओके। ये ऑटोमेटिक जब आप क्लच से पैर हटाते हो और आपकी, मतलब सॉरी क्लच लेते हो, तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, ट्रैफिक्स के लिए होता है, ओके। सीट एडजस्टेबल है, हाइट भी, जो कि छोटी हाइट वालों को काफ़ी पसंद आएगा ये, कि अच्छा है, सीट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। स्टीयरिंग भी टिल्ट है, आप इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो,
टेलीस्कोपिक नहीं है, तो ये काफ़ी सही है, छोटी हाइट वालों को पसंद आएगा। ओके, ये जो आप देख रहे हो गियर्स, ये भी कुछ क्रोम फिनिश में, जो कि डेल्टा में वो भी पसंद है। इसमें भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं। सिस्टम यहाँ पे इंफोटेनमेंट के हैं आपके स्टेयरिंग पे। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये हमने ऑन किया की। ओके, तो काफ़ी प्यारा है, दो एनालॉग हैं, बीच में एक MID मिल जाती है, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ को देखने को मिलते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा है ये, तो स्टेयरिंग भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, बढ़िया है, मतलब चलाने के लिए ठीक है। आपको इसमें मिलता है 8 इंच का टच डिस्प्ले, एप्पल और एंड्रॉयड का सिस्टम है, जो कि काफ़ी सही है। ये आपको सिग्मा में नहीं मिलेगा, वो बेस मॉडल है। अच्छा, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन है ये, तो आपके लिए क्या अच्छा है मैं वो बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक में सिग्मा भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट मिलता है AC का। जो बटन्स दिए गए ये मुझे काफ़ी प्यारे लगे। ओके, ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं सब लोग, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और ये हैं इसके 5 गियर्स, और यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चार्जिंग सॉकेट वगैरह हैं, और दो कप होल्डर है। रुकिए, हम लाइट इसमें देखते हैं, चलाते हैं। यहाँ पे कार्बन फाइबर में फिनिश है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, कार्बन फाइबर एक्चुअल यूज़ किए हैं ये। ओके, यहाँ पे धूप से बचने के लिए काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पे मिरर नहीं मिला। ओके, ये हैं लाइट्स, आपको आप दिखेंगे, यहाँ देख सकते हो आप, दो कप होल्डर्स हैं और चार्जिंग सॉकेट हैं। अच्छा, कोर ड्राइवर को यहाँ कांच मिलता है। अच्छा, आप देख सकते हो अपना बाल वगैरह सही कर सकते हो, अपना फेस आप देख सकते हो, थोड़ा AC कर देते हैं हम कम। देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स, काफ़ी डिसेंट सा स्पेस, ज़्यादा डीप नहीं हो ठीक है, लेकिन ओके, यहाँ भी काफ़ी अच्छी फिनिश है। पीछे भी थोड़ी जगह है, आप भगवान की मूर्ति या जो भी इच्छा आप रख सकते हो। IRVM मुझे काफ़ी पसंद है, डे एंड नाइट ये मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो आप, जो कि ये विंडशील्ड पे लगाए गए हैं, ये काफ़ी सही लगा। ओके, हम बंद करते हैं फॉग लैम्प। सो ये है इसका हजार ट्रायंगल, लेट्स गो, बाहर से चेक करते हैं किस तरह से दिख रही है। और काफ़ी वाइड है, मतलब आराम से आप सीट को फोल्ड करके, मतलब पूरा लंबा करके सो सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है, उससे बड़ी हाइट वाले को थोड़ी तकलीफ होती है। ये इसके हैं ORVMs, जो कि आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी पसंद है मुझे, मतलब उसका जो आप डायरेक्शन वो भी चेंज कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो, वो तो नॉर्मल सा है। ओके, तो इतने सारे डिफरेंसेस सिग्मा और डेल्टा में। तो डेल्टा की अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें, वो है 8,25,000 सूरत में, हो सकता है आपके शहर में अलग हो, बाकी प्राइस आपको सामने दिख रही है, आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा आपको पसंद आता है। ओके, ब्रेक की बात बुकिंग की, तो आप 11,000 भी देख के गाड़ी बुक कर सकते हो, 2 से 4 वीक में आपको गाड़ी मिल जाती है, ज़्यादा वेटिंग नहीं है गाड़ी में। रहेगी बात डाउन पेमेंट की, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिविल स्कोर, आप 10% भी भर के 90% लोन करवा के गाड़ी ले जा सकते हो, लेकिन आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। सामने खड़ी है अल्फा मॉडल, इसका कंपैरिजन बाद में आएगा। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर, 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर दो। बाय, टाटा।